हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ससुराल में राज करने के लिए पैदा होती है ये पांच नाम वाली लड़कियाँ। आज हम जानेंगे कि कौन सी लड़कियाँ जो होती है ससुराल में राज करती है और भाग्यशाली होती है ससुराल वालों के लिए। शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई तरह के नियम कायदों का पालन करना होता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वाले की सोच अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही खुद को घर के माहौल के अनुसार ढालना होता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसे नहीं करती है, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी टैलेंटेड होती है कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन बदल देती है और खुद अपनी वाली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर जब कुछ अपने हाथ में कर लेना भी एक कला होती है जो हर किसी में नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी लड़कियों के नाम बताने जा रहे हैं जो अपने ससुराल पर राज करने के लिए जानी जाती है। इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास खूबी होती है जिसके चलते ससुराल में इन्हीं की चलती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है वो लड़कियाँ जो अपने ससुराल में राज करती है और अपने ससुराल वालों का भाग्य चमका देती है, यानी कि किस्मत खोल देती है। दोस्तों, सबसे पहले है ए नाम वाली लड़कियाँ। इस नाम की लड़कियाँ काफ़ी चालाक होती है। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बातें मनवाना कुछ अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेती है। इसके बाद हर कोई इनकी ही तरफदारी करता है और इनके खिलाफ नहीं जाता है। इनकी यही कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देता है और ये वहाँ आराम से राज करती है। दोस्तों, एच नाम वाली लड़कियाँ। इस नाम की लड़कियाँ काफ़ी हुनरमंद होती है। ये अपने टैलेंट से ससुराल वाले को इम्प्रेस कर देती है। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। इस तरह सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बन जाती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस वजह से ये नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करने लगती है। एम नाम वाली लड़कियां। इस नाम की लड़कियां दूसरे लोगों के दिमाग को परिवर्तित करना अच्छे से जानती है। ये अपनी बातों से किसी भी व्यक्ति की सोच बदल सकती है। ये जब ससुराल जाती है तो खुद को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढलती है, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना देती है। उन्हें लाइफ में बदलाव पसंद होते हैं। ऐसे में ये अपने ससुराल में भी कई बदलाव करती है। इस तरह वहाँ इन्हीं का दबदबा रहता है। एस नाम वाली लड़कियाँ। इस नाम की लड़कियाँ थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की होती है। इन्हें गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है। ये अपने ससुराल में बड़े ठप्पे से रहती है। यदि कोई इनका हक मारने की कोशिश भी करता है तो वो उनके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। ये ससुराल में सभी को अपने कंट्रोल में रखती है। कई लोग इनसे खौफ भी खाते हैं। इस तरह से अपने ससुराल में एक रानी की तरह रहती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति अपनी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। किसी को लाइफ में कुछ भी पाने के लिए खूब संघर्ष करने पड़ते हैं तो किसी को कम ही मेहनत में सब कुछ हासिल हो जाता है। कुछ लोगों का भाग्य इतना प्रबल होता है कि वो अपने लिए तो लकी माने ही जाते हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी भाग्यशाली होते हैं। जिन लड़कियों का नाम डी अक्षर से शुरू होता है वो मेहनती, संघर्षी, ईमानदार और धैर्यवान होती है। ये अपने स्वभाव से किसी को भी इम्प्रेस कर लेती है। ये अपने घर को स्वर्ग बनाकर रखती है। अपने लोगों को खुश करने की हर संभव कोशिश करती है। इनके पास धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। ये लड़कियाँ जिस घर में शादी करती है वहाँ खुशहाली आ जाती है।
जिन लड़कियों का नाम एल अक्षर से शुरू होता है उन पर देवी लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। ये बुद्धिमान और चतुर होती है, लाइफ में जो कुछ चाहती है वो हासिल करके ही दम लेती है। ये काफ़ी इमोशनल होती है और अपने ही खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। जिस घर में इनके शुभ कदम पड़ते हैं वहाँ खुशहाली और समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, ससुराल में राज। हर लड़की को शादी के बाद एक न एक दिन अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है और कहते हैं कि यही से उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। सभी लड़कियों की ये चाहत होती है कि उनका शादीशुदा सफ़र खुशियों से भरा हो। दोस्तों, हर लड़की को शादी के बाद एक दिन अपने मायके छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है और कहते हैं कि यही से उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। सभी लड़कियों की ये चाहत होती है कि उनका शादीशुदा सफ़र खुशियों से भरा हो और ससुराल में सब उससे खुश रहें। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है पी अक्षर के नाम वाली लड़कियां अपने ससुराल में किसी महारानी की तरह ही जीवन व्यतीत करती है। ये हर कदम पर अपने पार्टनर और ससुराल वालों को संभाल कर रखती है। जिनकी लाइफ में पी से नाम वाली लड़कियाँ आती है वो बहुत ही लकी होती है। ससुराल पक्ष के लोग भी इन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। आर नाम वाली लड़कियाँ। दोस्तों, माना जाता है कि इस नाम की लड़कियाँ समाज में अपनी एक अलग ही पहचान बनाकर चलती है, लेकिन शादी के पहले और बाद में ये अपने परिवार और उनसे जुड़े लोगों को साथ लेकर चलती है। इनकी यही खूबी ससुराल वालों को खूब पसंद आती है। आर लेटर से नाम वाली लड़कियाँ अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ ससुराल वालों को भी खूब इज्जत और प्रेम देती है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि नाम में वाकई बहुत कुछ रखा है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम बहुत ही सोच समझ कर रखते हैं, किसी देवी देवता या किसी राजकुमार या सफल व्यक्ति के जैसा ही नाम रखना पेरेंट्स की हमेशा से आदत रही है। इसके पीछे केवल एक सोच ही रहती है कि उनके बच्चों की किस्मत भी उस व्यक्ति की तरह शानदार हो जिसके नाम पर उनका नामकरण किया गया है। दोस्तों, अपने कुछ लोगों को अचानक कभी कभी अपना या अपने बच्चों का नाम बदलते देखा होगा, क्योंकि यह नाम उन्हें पसंद नहीं था या फिर उस नाम से बच्चे के स्वभाव में अंतर दिखता था। वैसे कई मान्यताएं हैं कि इसलिए ज्योतिष शास्त्र ने नक्षत्रों और राशियों पर आधारित नामकरण का सुझाव दिया जाता है। दोस्तों, कुछ नाम वाली लड़कियां की जिनका नाम खुद के लिए तो लकी है ही, लेकिन वे अपने पति और ससुराल के लिए भी भाग्यशाली साबित होती हैं। वैसे तो सभी अक्षर अच्छे हैं, लेकिन इनमें से कुछ लकी माने जाते हैं जो कि मैं आगे आपको बता चुकी हूँ। और भी कई अक्षर हैं जो बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही लकी होता है। जिन लड़कियों के नाम बी अक्षर से शुरू होते हैं वे अपने ससुराल वालों के लिए काफ़ी भाग्यशाली मानी जाती है। शादी के बाद ये अपने साथ साथ खुशियां लेकर आती है, अपने ससुराल जाती है। चूंकि इनका स्वभाव भी काफ़ी खुश मिजाज होता है, इसलिए ये अपने पति और ससुराल वालों का दिल भी काफ़ी जल्द ही जीत लेती हैं। ये काफ़ी व्यवहारिक होती है, इसलिए दिखावे पर नहीं जाती है और ये इनका सकारात्मक पहलू होता है। ई नाम वाली लड़कियां। ससुराल में इन्हें लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, क्योंकि शादी के बाद जब ये ससुराल जाती है तो अपने पति की किस्मत भी बदल लेती है। इनके ससुराल में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, ये हर काम में पति के साथ निभाती है और यही कारण है कि पति के साथ ही ससुराल वालों के दिल पर भी राज करती है। जी नाम वाली लड़कियाँ। इसी तरह जी अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाली लड़कियाँ की बात ही कुछ अलग होती है। शादी के बाद ससुराल में इनके कदम रखते ही वहाँ धन धान्य की बरसात होने लगती है। वहाँ कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। उनके पति को भी कभी काफ़ी फायदा होता है, नौकरी में स्थिति बेहतर होती है और प्रमोशन भी होता है। दोस्तों, के नाम वाली लड़कियां। इस अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाली लड़कियां माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इन पर माता लक्ष्मी और कुबेर की विशेष कृपा होती है। वैसे तो इनकी शादी काफ़ी संपन्न परिवार में होती है, लेकिन इनके ससुराल जाने से संपन्नता में और भी वृद्धि हो जाती है। ये ससुराल वालों का दिल जीतने में भी माहिर होती है और इस कारण सभी इन्हें पसंद करते हैं। खास बात यह है कि ये जिस भी काम में हाथ डालती है उसमें उन्हें सफलता मिलती है।
एल से शुरू होने वाले नाम वाली लड़कियां भी धन के मामले में काफ़ी लकी होती है। खुश मिजाज स्वभाव की होने के कारण ये खुद के साथ साथ दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करती है और इनके इस स्वभाव के कारण सभी उन्हें पसंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।